जय हिंद दोस्तों, सबको राम राम मेरी तरफ से। दोस्तों आज की वीडियो में बताऊंगा कि मेरे भाई कुछ बोल रहे हैं, कुछ कमेंट कर रहे हैं माता बहने कि सर हम लोग को ये बता दो कि क्लच प्लेट क्यों खराब होती है, कब खराब होती है और कैसे खराब होने का क्या कारण है। हम लोग गाड़ी सीख रहे हैं और क्लच प्लेट का बहुत ज़्यादा सिखाने वाला बोल रहा है कि आप लोग क्लच प्लेट जला दोगे, क्लच प्लेट खराब कर दोगे। देखो सबसे बढ़िया तरीका मैं आपको बताता हूँ क्लच प्लेट खराब क्यों होती है। वीडियो स्किप मत करना, बिल्कुल एकदम ध्यान से देखना, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा, ठीक है। और अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर करना, अच्छी लगेगी मेरे को पता है, मैं बिल्कुल सही तरीका बताऊंगा, ठीक है। लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों देखो हमारा ये है क्लच का पैडल है, ये ब्रेक का पैडल है और ये रेस का पैडल है। ये तीन पैडल हमारे सामने दिए हुए हैं दोस्तों। अभी हम लोग इसका मिस यूज करते हैं जिसकी वजह से क्लच प्लेट हमारी खराब होती है, ठीक है। इसका काम क्या है मैं बता देता हूँ आपको, तरीके समझ लेना और आपकी कभी भी ये प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी, ठीक है। और क्लच को जितना कम इस्तेमाल करोगे दोस्तों, गाड़ी की लाइफ समझो कि उतनी ही ज़्यादा निकलती जाएगी, ज़्यादा लाइफ गाड़ी चलेगी, आपको रास्ते में धोखा नहीं देगी। कहीं लंबे रूट पे जाओ, कहीं भी जाओ, आपकी कार एकदम बिंदास आपको लेके जाएगी और बिंदास आपको लेके आएगी। आपने करना क्या है दोस्तों, देखो ये क्लच है, क्लच का काम है क्लच दबाया, कहाँ तक दबाना, हाफ नहीं दबाना, बीच में दबा के नहीं गियर डालना, पूरा प्रेस करना जहाँ तक कंपनी ने दे रखा है। किया उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, पहला गियर लगा दिया, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, इसको छोड़ना है धीरे 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 धीरे, बीच में लाए उसके बाद इसको फुल छोड़ देना है जब क्लच पूरी मूवमेंट कर दे। एक नंबर हो गया गियर लगाने में आपका इसका काम। दूसरा नंबर है दोस्तों कि आपने क्या करना, जब भी गियर चेंज करना एक से दूसरे में आना, बस हल्का सा क्लच लिया सेकंड गियर लगा दिया फिर हल्का सा क्लच लिया, फिर तीसरा गियर लगा दिया, क्लच में से पांव उठा लिया, बस यही काम है। और दोस्तों बहुत आदमी क्या करते हैं कि कार चलाते हैं, पांव उनका, अरे पांव दोस्तों आपका, जब आपने क्लच की पूरी प्रक्रिया कर दी, क्लच का काम है नहीं आपका। अभी आप मान लो चौथे पांचवे गियर में चल रहे हो रोड पे, आप चौथे पांचवे गियर में चल रहे हो, अभी मान लो ये रोड है सामने दोस्तों, इसमें हम लोग पांचवे गियर में चल रहे हैं, तो पांव को यहां दबाने की क्या जरूरत है, ऐसे दबा के रखने की क्या जरूरत है। आपको पांचवे नंबर गियर पे चल रहे हो, आपको ब्रेक से मतलब है और आपको रेस से मतलब है। क्लच का तो कोई रोल ही नहीं बनता इसमें, रोल कब बनेगा क्लच का, जब आप ब्रेक मारते 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 आपकी कार एकदम धीरे हो जाएगी, तब आपने क्लच प्रेस करना है, ठीक है। कार में पांचवे गियर पे आप चल रहे हो तो आपका रोल नहीं है कोई क्लच का, ठीक है। तो रोल कब है, जब आपने गियर डाउन करना है, मान लो कुछ आगे आ गया, पांचवे से चौथे गियर में लेना, हल्का क्लच लिया और चौथे गियर में गाड़ी डाल दी, ये हो गया। और ऐसे दबा के रखना, इसको दबा प्रेस करके कार चलाते जा रहे हो, एक ये हो गया। दूसरा है लंबा, अगर जाम लगता है दोस्तों, लंबा जाम है तो उसमें हाफ क्लच में पूरी गाड़ी को चलाते रहना, हाफ क्लच में धीरे 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 गाड़ी को चलाते रहना, हाफ क्लच में चलाते रहना, आगे एक जाम है, हाफ क्लच लिया ना दोस्तों, ये भी गलत है। तीसरी बात क्या है कि आप नए ड्राइवर क्या करते हैं, क्लच लिया ब्रेक मारी, ब्रेक मारनी है, चाहे आप पहले गियर में है, चाहे दूसरे गियर में, चाहे तीसरे चौथे पांचवे में है, तो आप बहुत आदमी 80% आदमी करते हैं, नए ड्राइवर क्या, पुराने भी लोग करते हैं भाई ऐसे ही, ठीक है। जो मेरा वीडियो देख रहे हैं उनके सबके लिए है, बहुत आदमी को हैबिट बन चुकी है, इस हैबिट को खत्म करो, क्लच को दबाने की बार बार हैबिट को खत्म करो, जितना है काम आप ब्रेक से करो, कार सिर्फ बंद ना हो इसके लिए आप हल्का सा क्लच को दबाओ, ठीक है। कार हमारी बंद ना हो इसके लिए हल्का सा क्लच दबाओ, इस हैबिट को खत्म करो, आप बिना क्लच के भी गाड़ी चलाओ, ठीक है, बस कार के क्लच को वहां यूज करो यहां यूज करना, गियर निकालने में डालने में, ठीक है, और जहां आपको हाफ क्लच की जरूरत है वहां यूज करो, बेफालतू का यहाँ रख के इसको दबा के रखा है और कार चला रहे हो आप पांचवें गियर में चल रहे हो, क्लच दबाया हुआ है और चला रहे हो, ठीक है, ये गलती नहीं करनी। आप अगर पहले गियर में कार है तो क्लच दबा के आप ब्रेक मारो, क्योंकि कार धीरे रहती है दोस्तों, और वो क्या होती है, कार धीरे रहने की वजह से क्या होता है
कि कार बंद हो जाती है, इसलिए क्लच दबा के ब्रेक मारो। बाकी आप तीसरे चौथी पांचवें गियर में हैं तो आपको क्लच दबाने की जरूरत नहीं है, आप ब्रेक दबाओ। जब आपकी कार बिल्कुल स्लो हो जाए, बंद होने लगे कि स्लो, बहुत स्लो हो गई है, तब आप क्लच प्रेस करो। ठीक है दोस्तों, ये है कुछ कारण क्लच प्लेट खराब होने के। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो, इस चीज को सीखना है दोस्तों, इस चीज को समझना है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, आप ट्राई करके देखो, वीडियो देखने से कोई फायदा नहीं, आप ट्राई करके देखो कि हाँ भाई ने सही बोला कि गलत बोला। ब्रेक मार के देखो, उसकी बिना क्लच के दबाए हुए ब्रेक मारने की हैबिट डालो अपने पाँव में। अगर आपकी आदत बन गई क्लच दबा के ब्रेक मारने की, तो आप कहीं भी चले जाओ, आपके क्लच दबा के ही ब्रेक मारोगे। ठीक है, ये गलत तरीका है मगर। ठीक है, क्लच अगर हम लोग दबा के ब्रेक मारते हैं तो इंजन का कनेक्शन जो है ब्रेक से टूट जाता है, क्योंकि क्लच प्रेस कर दिया हम लोगों ने। ठीक है, तो इससे क्या है, आपकी आदत बन जाएगी, इस आदत को चेंज करो। वीडियो अच्छी लगी हो, मेरा समझाने का तरीका अच्छा लगा हो, तो भाई एक जरूर चैनल को लाइक जरूर करना और वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, मैं बहुत अच्छी अच्छी वीडियो कार ड्राइव स्किल की बनाते रहता हूँ, पर डे वीडियो बनाता हूँ। आपको कोई भी डाउट रहता है, किसी बात का भी डाउट रहता है, आप कमेंट करें, मैं कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।